सोनीपत में निकाय चुनाव का नतीजा बुधवार को आ चुका है, जहां सोनीपत से कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार मेयर निखिल मदान ने बड़ी जीत हासिल की है और विरोधी दल भाजपा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरे हरियाणा में आज अंबाला, पंचकुला और नगर निगम के निकाय चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है। जहाँ तक नतीजों की बात है, भाजपा सभी जगह से इन चुनाव में हारती नजर आ रही आशीर्वाद दिया है और मेरे को पूरा विश्वास था कि सोनीपत की जनता पूरा मुझे आशीर्वाद देगी। इतना प्यार दिया सोनीपत की जनता ने, क्योंकि आज जो बीजेपी के खिलाफ माहौल था, सरकार ने अपने सारी ताकतें सरकार ने अपनाई इस चुनाव के अंदर, कोई सरकार ने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। पर फिर भी मैं लास्ट तक एक बात कहता था कि सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से ही मैं सोनीपत के विकास कार्य भी चालू कराऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जो भी हमारे सफाई के मुद्दे, सड़क के मुद्दे, स्ट्रीट लाइट, फिर सड़क हो गई हमारी, सीवरेज का मुद्दा सोनीपत में सबसे बड़ा, मल्टी लेवल कार पार्किंग हो गया, CCTV कैमराज हो गए, जितने भी हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, इनके ऊपर हम बिल्कुल तुरंत प्रभाव से काम भी स्टार्ट करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई जल्दी से विकास कार्य स्टार्ट होंगे। सबसे पहले कौन सा काम करोगे सोनीपत में? जो देखो, जो आप बने हो और सबसे पहले मेयर पद आपको मिला है सोनीपत का, सबसे आज सोनीपत जनता आपको सबसे पहले शुरुआत कहाँ से? शुरुआत जहाँ पर सीवेज का काम सबसे ज़्यादा ख़राब है, सबसे पहले हम सीवेज के मुद्दों को स्टार्ट करेंगे। पीने के पानी की लाइन है, पानी का मुद्दा जितना भी हमारे शहर के अंदर है, सबसे पहले दो काम ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ तुरंत प्रभाव से इनको हम चालू करवाने की कोशिश करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।